आज हम हामिला ख्वातीन के लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव मैसेज लाए हैं। आज हम देख रहे हैं कि मासूम बच्चे अपने हाथों में मोबाइल लेकर कई एक ऐप्स अपने आप खोल रहे हैं। हमें ये देखकर ताज्जुब होता है कि बच्चे कैसे इतने चालाक हो रहे हैं और कैसे इस तरह तमाम हरकतें कर रहे हैं। मगर पता है आपको, माँ जब हामिला होती है, उसके पेट में बच्चा होता है, तो 6 महीने के उम्र में ही, यानी बच्चा जब 6 महीने का होता है, तभी से वो माँ की हर हरकत को जानता है। माँ चाहे वो कुरान हो या दीगर किताब हो, अगर वो पढ़ती है तो बच्चा बड़े गौर से सुनता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माँ की हर हरकत से बच्चा वाकिफ होता है, यानी वो 6 महीने से ही उसको पता चलता है कि माँ क्या कर रही है। यहाँ तक कि माँ के सामने कोई ज़बान दराज से बात करे तो भी बच्चा डर जाता है, सहम जाता है। तो ऐसे में माओं की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि 6 महीने की जब होता है बच्चे की उम्र, यानी प्रेगनेंसी के 6 महीने होते हैं, तभी से वो समझ जाएँ कि अपने बच्चे को किस तरह तैयार करें, अगर उन्हीं के हाथों में है कि बच्चों को वो किस तरह किस रास्ते पर ले जाएं। इस बात को संजीदगी से लें और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कैसे हो, ये सोच समझकर अमल करें। और से देखें कि अमेरिका से आए हुए प्रोफेसर ने इस सिलसिले में क्या कहा है। मेरे साथ अमेरिका से तशरीफ लाए प्रोफेसर डॉक्टर खाजी हैं। इन्होंने मौलाना आजाद बीएड कॉलेज में स्टूडेंट्स और खासकर टीचर्स को एक सेमिनार में अटेंड करते हुए कई अहम बातों को पेश किया है, जिसे हम जानना बेहद जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आप दौरान सेमिनार बहुत अहम बातें बताई, जिसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। सर, अपने दौरान सेमिनार आपने कहा कि हामिला खातून को जो उसका शौहर होता है, उसे जोर से जुबान दराजी करने से भी बचे जी, इसके असरात क्या होते हैं सर? जो बच्चा है जी सर, माँ की जबान को समझता है जी, जब उसकी उम्र जो है माँ के शिकम में छह माह का हो जाता है, तो वो उसके बैरोनी कान बन जाते हैं। अच्छा। तो उससे वो सुनने की सलाहियत रहती है। तो उससे होता ये है कि जब आप माँ बात करती है तो जो उससे जिस्म में जो वाइब्रेशंस होते हैं जी, जो लरसता है असरात जो है, वो उसके शिकम से होकर जी उस बच्चे के एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, अच्छा, उसके अतराफ जो पानी होता है उसमें लहरें पैदा होती है। अच्छा। तो वो लहरें जो है जाके टकराती है वो बच्चे के कान के पर्दे पर, यानी वो गौर से सुनता है माँ की हर हरकत से, बात की हरकत से जी। माशाल्लाह। तो और उसके करीब अगर कोई हो जी, जो शौहर हो सकता है, बिल्कुल, या भाई हो सकता है, दादा दादी जो भी हो सकता, अगर उसको सख्त अल्फाज में जी चीख पुकार करके, अच्छा, जब कहेंगे तो उससे भी एक्सटर्नल जो एयर है हमारे, जो हवा है, उसमें वाइब्रेशन होते हैं, वो टकराते हैं वो शिकम से माँ के। अच्छा। तो माँ के वो जो पानी जो अतराफ होता है जो एम्ब्रियो का, जो बच्चे का जी जी, तो उसमें भी लहरें पैदा होती हैं। अच्छा। वो लहरें जब टकराती हैं कान से, तो वो ये चीख पुकार को जो कि माँ की आवाज की मुमासिल नहीं है, वो बच्चा बेचैन हो जाता है अंदर। अच्छा। यहाँ माँ उसका हार्ट, उसका जो दिल है वो मारने लगता है। अच्छा। और उसका जो खून का दबाव बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अच्छा। तो ये तमाम चीजें कहती हैं कि वो बच्चा सुन रहा है। अच्छा। अगर बच्चा नहीं सुन रहा है तो इस पर कोई असरात नहीं होते। हाँ, ये बात है। तो बहुत सारे स्टडीज हैं इस पर। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक और बात आपने कहा कि खातून जो हामिला होती है वो किसी बुक की रीडिंग करें या थोड़ी धीमी आवाज में वो पढ़े ताकि बच्चे पर उसका असर हो, सर ये कहां तक, ये क्या समझते हैं? जैसे मैंने कहा कि जो है जब माँ बात करती है तो उसमें जो हरकत, उसमें जो जो पानी है बच्चे की तरफ, उसमें हरकत पैदा होते हैं जी, और इस तरीके से वो उन हरकत को वो कान के जरिए, कान के पर्दे के जरिए सुनने लगता है। अच्छा। तो
तो यही बात ये होती है कि माँ अगर पढ़ती है कुछ किताब, अच्छा, वो कुरान भी हो सकता है, सुभान अल्लाह, जी जी, और जो है कुरान की सूरह भी हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो अगर पढ़े जी तो बच्चा सुनता है। अच्छा, उसका क्योंकि अगर वो खामोशी से पढ़े तो बच्चा नहीं सुनेगा। जी 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 सर, हमने अक्सर खुतबात में सुना है कि बड़े बड़े औलिया इकराम के वालिदा ने उनको बावजूद होकर दूध पिलाया था, तो इस तरह से आपकी बात में है, बिल्कुल लॉजिक है सर, हम जो सुना करते थे आपने साइंटिफिक तरीके से उसको वाजह तौर पर बताया है।